प्रोफेसर वैद्यनाथन जी, डी देवदास जी, अनिल भारद्वाज जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। वैद्यनाथन जी ने जो कुछ बताया था वो अनुभव पिछले सरकार का था, नए सरकार का नहीं था। जो अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की है वो पूरी करने की कोशिश हम करेंगे। मैं संक्षिप्त में कुछ बातें अपने डिपार्टमेंट के बारे में इसलिए बताना चाहूँगा कि मैं आपसे चाहूँगा कि आप देश में आइए और इसमें काम करिए। हमारा नेशनल हाईवे ये मेरे डिपार्टमेंट में है और जब मैंने चार्ज लिया तब 2,80,000 करोड़ के 288 प्रोजेक्ट्स स्टैंड स्टील थे, बंद पड़े थे। उसके चार कारण थे, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं था, रेलवे ओवरब्रिज के प्रॉब्लम थे और कुछ जगह पर हमारे डिफेंस के लैंड के प्रॉब्लम थे और कुछ छोटे मोटे कोर्ट के जुडिशियल प्रॉब्लम्स थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें से 1,80,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसके प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। 80 प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने क्लियर किए हैं। रेलवे ओवरब्रिज तो रेलवे ने अभी एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू की है और डिजाइन का पैटर्न भी निश्चित किया है और 90 फ्लाईओवर को उन्होंने क्लियरेंस दे दिया और अभी पूरी सिस्टम आप आसानी से देख सकते हैं कि किसने कितने दिन फाइल रखी है, इसलिए डिले कोई होता नहीं। बहुत अच्छी सिस्टम उन्होंने इम्प्रूव की है। मेरे डिपार्टमेंट में 50,000 करोड़ के काम ऐसे थे कि जिसमें जितने बड़ी बड़ी कंपनियां देश की थी उसमें से अनेक कंपनियां काम छोड़कर भाग गई। उनके नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता पर समझ लो कि देश की 4-5 बड़ी कंपनियां उसमें हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उनको कह रहा था कि आप काम करो और वो कह रहे थे कि 1% पेनल्टी ले लो और पीछा छोड़ो। इसका कारण 3 साल पहले फाइनेंशियल क्लोजर हुआ था और लैंड एक्विजिशन 10% हुआ था, आगे हुआ नहीं। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस नहीं मिले, रेलवे ओवरब्रिज के नहीं मिले, तो 99% गवर्नमेंट जिम्मेदार थी और हमारी भारतीय भाषा में कह दें तो उनका पूरा बैंड बाजा बज चुका, ऐसी स्थिति आई। तो 50,000 करोड़ के जो काम हैं वो अब PPP भी थे वो भी लोग वहाँ से चले गए, तो अभी 50,000 करोड़ के काम के और निर्णय करने हैं। इश्यू क्रूशल है पर हम जल्द से जल्द करेंगे और उसके भी वे आउट निकालेंगे। हमने मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो NHA है उसका टोल का इनकम 6,000 करोड़ साल का है, वो अगले साल में वो 10,000 करोड़ होगा और हर साल अगर 10,000 करोड़ में 10-15% बढ़ोतरी होगी तो 15 साल के लिए अगर उसको सिक्योरिटाइज किया जाए बैंक में कोई भी तो 1,25,000-20,000 करोड़ आसानी से मिल सकते हैं। 50,000 करोड़ हमको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए सरकार ने अनुमति दी है, इसलिए पैसे की कमी नहीं है। अगर हमने ये जो पुराने अनुभव से ध्यान में लेकर एक बात की है कि प्रोजेक्ट में जाने के पहले 80% लैंड एक्विजिशन होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस होना चाहिए, डिजाइंस फाइनल होने चाहिए, इसलिए हमने एक नया डिवीजन खोला है जो केवल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी Part 1 होगी जो लैंड एक्विजिशन से लेकर इन्वायरमेंट क्लियरेंस, रेलवे ROB सभी प्रॉब्लम्स को लेकर फॉलोअप करेगी और पूरा क्लियर करके फिर हम टेंडर करेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी Part 2 जो उसको सुपरवाइज करेगी वो उनको वो काम मिलेगा और हम हमारे शेल्फ में कम से कम 50,000 किलोमीटर के 3.5 से 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आने वाले 1 साल के अंदर शेल्फ में तैयार रखेंगे जो तुरंत टेंडर करके हम शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ UPA सरकार में 3 किलोमीटर पर डे हाईवे का काम शुरू होता था, करते थे, अब हमने 2 साल के अंदर उसको 30 किलोमीटर पर डे करने का टारगेट निश्चित किया है, 10 times more। और केवल आपको विश्वास निर्माण हो इसलिए थोड़ा सा एक बात कह दूंगा कि पैसा इस क्षेत्र में बहुत आ सकता है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो पब्लिक वर्क्स का ही था, रोड का ही था, आपको मुंबई आने का मौका मिलता है
तो मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, वरेड़ी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये तीनों प्रोजेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला। इसमें से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में रिलायंस का टेंडर 3600 करोड़ का था, जो हमने रिजेक्ट किया, जो दे सकते थे उनको लीगली, वो काम केवल 1600 करोड़ में करके 2000 करोड़ रुपए बचे हैं। 55 फ्लाईओवर्स 1800 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट थी, पहली बार 1000 करोड़ में हुए और 800 करोड़ रुपए सेविंग हुआ। वरेड़ी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट देश का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें 50% प्रोजेक्ट पूरा हुआ और जब उनको ब्रिज का काम मैंने दिया तो 15% काम मेरे सामने हुआ था। तब 420 करोड़ रुपए में मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर बाद में ऐसी 420 सरकार आई कि उसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए हो गई और अभी भी वो अधूरा पड़ा है। हमने निर्णय किया है कि आज हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि लेबर कॉस्ट सस्ती है, हमारी स्ट्रेंथ है कि कॉन्ट्रैक्टर अच्छे हैं, वेल इक्विप्ड है, हमारे प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के लेवल पर तो वो हमने सुलझा लिए हैं, हमारा प्रॉब्लम है बैंक इंटरेस्ट हाई है और 12% इंटरेस्ट रेट के कारण, 13% कारण इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में प्रॉब्लम है और इसलिए हमने तीन निर्णय किए हैं। हमने इसके बाद सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बनाने का निर्णय किया है और मैंने इस बार जैसे घोषणा की वैसे सीमेंट इंडस्ट्री वालों ने कार्टेल किया और 300 रुपये की बैग की कीमत 325 रुपये की। जैसे हुआ वैसे मैं भी कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी जानता हूँ, तो मैंने जिनकी कैपेसिटी 35-40% है उनको सबको बुलाया और मैंने कहा मैं आपका 100% कैपेसिटी खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप रेट कम करिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 300 रुपये की सीमेंट बैग 325 पे गई थी उसका स्लैग सीमेंट का रेट मुझे केवल 120 रुपये पर बैग मिला। उसमें कैश एंड कैरी है, पहले पैसा देना है, इसलिए करप्शन की बात नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ टू गिव मनी फर्स्ट, ड्राफ्ट देना पड़ेगा, चेक भी नहीं, और कैश एंड कैरी में फिर टैक्स लगेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, 160-170 में मिलेगा। तीसरी बात हमने उसमें और अच्छी की है कि ऑयंस ओर जो है इसका कन्वर्शन जो ऑयन में होता है वो ऑयन स्लैग निकलती है, वो वेस्ट मटेरियल, उसके पहाड़ के पहाड़ पड़े हुए अनेक जगह पर। हमारे परिवार में संघ के एक ज्येष्ठ प्रचारक थे लक्ष्मण राव इनामदार, उनके भांजे हैं सातारा जिले के डॉक्टर जोशी करके, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये स्लैग से एयर स्ट्रिप बनाई और रोड बनाया है। उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, मैंने तुरंत अपने टेक्निकल विंग को दिया, उन्होंने वेरीफाई किया और आयरन स्लैग फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है और उसमें से 4% सैंड के लिए और जो गिट्टी लगती है स्टोन क्रश उसके लिए भी वो यूज़ की जा सकती है। अब मैं मुंबई गोवा हाईवे को 4 लेन कंक्रीट का बना रहा हूँ तो मेरा विश्वास है कि सीमेंट की कॉस्ट कम होने के कारण और स्लैग इजीली अवेलेबल है, अलीबाग में, कर्नाटक में बहुत स्लैग अवेलेबल है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 30% से कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करेंगे तो IRR अच्छा होगा। दूसरा जो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मैं देश का ऐसा एक पॉलिटिशियन हूँ कि जिसने 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट में खड़े किए, जैसे ये बता रहे थे वैसा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, पर मुझे अवसर मिला था, 10 करोड़ सरकार से लिए और 4000 करोड़ रुपये मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए और 8 साल में पैसे वसूल हो गए और 10 साल में पैसे वसूल हो गए और 8500 करोड़ के काम 3 साल में पूरे हुए। जब मुंबई में जो फ्लाईओवर आप देखते हैं उसमें हमने किया था कि जो एक दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपये अवार्ड मिलेगा, एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपये फाइन होगा। तो इसके कारण वर्क कल्चर बदल गया। जो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप जब माहिम की तरफ जाते, जो पहला एलिवेटेड रोड है वो केवल 13 महीने में बना, तो वर्क कल्चर बदल गया। जो बात प्रोफेसर साहब ने कही वो सही है कि हिंदुस्तान में अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती, और इसलिए ये छोटे छोटे कानून है इसको स्क्रैप करना चाहिए और हमने यही तय किया कि पहले ऐसे जो कानून बनाए हुए ये स्क्रैप कैसे करें। तो रोड सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बात अभी तक जम नहीं पाई, प्रधानमंत्री जापान भी गए थे, कि कैसे मैकेनिज्म में
हम इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट लो इंटरेस्ट वो की इन्वेस्टमेंट लाए हैं। अब जब हम सरकार से शुरू लाते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और वो बहुत बड़ा रेड टेपिज्म में कठिन काम होता है, पर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इक्विटी और फाइनेंस मिलाया तो हो सकता है। तो मैं ऐसा एक मॉडल तैयार करने के पीछे लगा हूँ। मेरे बैग में 5,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मोर देन 13-14 तक है, ट्रैफिक डेंसिटी हर साल बढ़ रही है। तो मेरा खुद का हमारा NHAI का इनकम AAA रेटिंग है और उसका 10,000 करोड़ रुपये टोल का इनकम है। तो मैं आपसे आह्वान करने आया हूँ कि आप इसमें आइए, इसमें हर प्रोजेक्ट में हम आपके साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप कर सकते हैं। हमारी 2 कॉरपोरेशन हमने अभी शुरू की है जिसमें मैं आपको फिक्स रिटर्न्स दूंगा, प्रोजेक्ट का जो होना होगा प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे और उसमें आपको जो रिटर्न्स देना है उसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट भी करने के बारे में हम सोच सकते हैं। और जो मेरा टोल इनकम है वो प्रोजेक्ट भले डिले हो, कुछ भी होगा तो नहीं क्योंकि अभी जरूर ऐसी संभावना नहीं है, रिस्क हमारी होगी और फिक्स रिटर्न की गारंटी हम आपको देंगे। आपके देश में अगर आप पैसा डिपॉजिट रखने के बजाय हिंदुस्तान में आइए, उससे कई गुना अच्छे रिटर्न हम देंगे। और उसके लिए बैंक, हमारी NHAI या कॉरपोरेशन और आप, इसके बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा और बैंक विल गिव यू द गारंटी टू रिटर्न यूर मनी बैक एवरी मंथ और एवरी ईयर, रिटर्न्स के पैसे मिलेंगे, इसलिए उसमें कोई शंका मत रखिए। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें आइए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम, मेरे पास शिपिंग का है और जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। चाइना का गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक 20% पानी पर है और हमारा 0.50% है। अगर हम पानी पर जाते तो अंदाज अगर 1.5 रुपये खर्चा आएगा तो रेलवे का 1 रुपया और पानी पर 50 पैसे है। जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको हम सब्सिडी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, जो कम करते हैं उनके हम फाइन लगाते हैं, ऐसी हमारी नीति है। हम इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी 8 दिन स्वीडन में और लंदन में ही था, बेल्जियम में था, हॉलैंड में था और अभी हम लोग इनलैंड वाटरवेज में काफ़ी, जैसे आपने देखा सी प्लेन को हमने अनुमति दी है। हैवरक्राफ्ट की कंपनी से परसों ही मैं लंदन में मिला हूँ, मैंने उनको इनवाइट किया कि इंडिया में आओ, 100-150 पैसेंजर वाले हैवरक्राफ्ट आप तैयार करो, मैं आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, इंडियन पार्टनर देखो यहाँ बनाओ, कैपिटल कॉस्ट कम होगी, रेट कम होगा तो हिंदुस्तान के लोग उसको बेयर कर सकेंगे। कैटरमैन, सी प्लेन, जैसे आपने एयरपोर्ट देखे हैं वैसे वाटर पोर्ट और सी पोर्ट भी हम बना रहे हैं और बस पोर्ट भी बना रहे हैं, वो भी मेरी डिपार्टमेंट में है। हमने ऑलरेडी ये डिसीजन लिया है, जैसे बड़ौदा में बस पोर्ट बना है, कि एयरपोर्ट जैसा पोर्ट बने और उसके लिए डिजाइनिंग के लिए और उसका प्लानिंग के लिए जो कंसल्टेंसी, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी तरह उसको ओन कर रहे हैं, हम खर्चा देंगे। तो आज उसमें भी बहुत अच्छी। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में है। जो कह रहे थे, मुझे किसी ने कहा कि 6,00,000 करोड़ का करप्शन हिंदुस्तान में हर बार, ये मोटर व्हीकल एक्ट, ये RTO पुलिस और ट्रैफिक इसमें होता है। अभी हमने एक्ट बदलने का निर्णय किया है। जैसे आपने कहा, वैसे पहली बार जब सेक्रेटरी मेरे पास वो फाइल लेकर आए थे, मैंने पढ़ने के बाद उनके हाथ में रखे, उनको कहा जाते समय डस्टबिन में फेंक देना। हमने अमेरिका, UK, ब्राज़ील, कनाडा, जापान, जर्मनी और सिंगापुर तीनों के मोटर व्हीकल एक्ट को अध्ययन करके हमारा मॉडल एक्ट तैयार किया है, वेबसाइट पर है, और जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस को भी हमने कंप्यूटराइज परीक्षा होगी, ड्राइवर चलाएगा और कंप्यूटर उसको फेल या पास का निर्णय करेगा, आदमी कहीं नहीं है। चौक पर कैमरे लगेंगे, किसी ने नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, जो वायलेशन करेगा सैटेलाइट से वो इमेज मिल जाएगी, तुरंत उसको फाइन होगा, कोर्ट में अपील करेगा, अगर वो सही निकला तो फाइल 3 गुना बढ़ जाएगा। पूरी तरह से जो डिजिटल इंडिया की बात है वो हमने की है। और इसमें और एक बात अच्छी है कि मैं परसों स्टेकहोम में था, हम लोग अभी फ्यूल, इंजन और इन्वायरमेंट इसके इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी 6,00,000 करोड़ का इंपोर्ट पेट्रोल, डीजल और गैस का है, हमारे प्रॉब्लम्स उसी के कारण है, हमारी इकोनॉमी जो तकलीफ में आई उसका कारण इंपोर्ट ऑफ क्रूड। और हमारा सपना है मेक इन इंडिया, बी इंडियन बाय इंडियन। और इस विषय का मैं भी बहुत दिनों से, सुदर्शन जी जो हमारे संघ के सरसंघाचालक थे, वो बार बार कहते थे, उनका सपना था, मैं उसी में काम करता हूँ और मैं इसमें से टेक्निकली काफ़ी एक्सपर्ट आदमी हूँ।
मैं 1,20,000 लीटर पर डे इथेनॉल तैयार करता हूँ, 20 लाख रुपए महीने का कार्बन डाइऑक्साइड बेचता हूँ और 18 टन पर डे का बायो CNG तैयार करता हूँ। अब ये कठिन नहीं है। और 80 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करता हूँ, ये कठिन नहीं है। और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज ए प्रॉब्लम। गेहूँ चावल की कीमत ही नहीं बढ़ रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इसमें ये हम तैयार कर सकते हैं। और इसमें से बायो CNG भी तैयार कर सकते हैं, बायोडीजल भी तैयार कर सकते हैं। मलेशिया से हमारे यहाँ पॉम ऑयल आता है और वो पॉम ऑयल से जो रेसिड्यू निकलता है 5%, उससे बायोडीजल तैयार होता है। एनी नॉन एडिबल ऑयल सीड, रतन जोत, मोह, साल, करंज, इससे, या एडिबल ऑयल से भी हो सकता है पर एडिबल महंगा पड़ेगा। हमारे यहाँ वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, उसका उपयोग करके अगर ये नॉन एडिबल ऑयल सीड मिली और उसका बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका प्रोडक्शन बढ़ा, तो देश को लगने वाला ऑयल बायोडीजल हम दे सकते हैं। ये 95% कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, मैंने इस पर गाड़ी भी चलाई है, मैं बायोडीजल तैयार भी करता हूँ। और इसलिए हमने ये तय किया कि हमारी जो सिटी बस सर्विस है वो हम लोग बायोडीजल, इथेनॉल और बायो CNG बायोगैस पर चलाएंगे। मैं स्टॉकहोम में ये बस सर्विस 600 बसेस देख के आया हूँ। मैं स्कैनिया में 2 दिन उनके लेबोरेटरी में सभी एक्सपेरिमेंट देखने के लिए वहाँ गया था। और इसमें अभी इलेक्ट्रिक बस जो हिंदुजा ने तैयार की, वो परसों ही मैं लंदन में उस बस में घूमा, तो हमारी एग्जिस्टिंग बस को हम लोग उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, शिपिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और रोड सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने ये निश्चित किया है कि हमारा डिपार्टमेंट केवल आने वाले समय में 2% का GDP इंडिया के GDP में ऐड करेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ। और कम से कम 15 लाख लोगों को रोजगार देगा। इसके अलावा बहुत से अच्छे निर्णय किए हैं, समय की कमी है इसलिए उसमें बताने के लिए टाइम नहीं है, पर मैं आपको प्रार्थना करूँगा कि आप बहुत अच्छा काम अनेक देशों में करें वो तो ज़रूर करिए, पर जैसे अभी आपने बताया कि छोटे छोटे उद्योजकों ने बहुत अच्छे जगह पर अनेक देशों में काम किया है। अब हिंदुस्तान का एनवायरनमेंट बदल चुका है, डिजिटल इंडिया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसकी बात हो रही है, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ऐसा देश निर्माण हो, ये हम सबका मिशन है। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इस देश को बदलना, आप लोग वहाँ जाकर अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कठिनाइयाँ तो आती है, पर मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो हम लोग समस्या का रूपांतर अवसर में करेंगे। हम सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, ई गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। मुझे आपको पता, मैं भी ग्रामीण विकास मंत्री भी था, अभी 10-15 दिन पहले हमारे पहले जो मंत्री थे उनका डेथ हुआ था, तब मेरे पास चार्ज था। डॉक्टर माशेलकर जी का नाम आपने सुना होगा। अहमदाबाद में इंडिया इनोवेशन फाउंडेशन है और वो फाउंडेशन में 20,000 ऐसे रिसर्च है जो मैट्रिक से भी कम पढ़े लिखे ऐसे अनपढ़ लोगों ने किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट वर्धा में गया था। आप बाल काटते हैं, आजकल महिलाएं भी काटती है, तो वहाँ उन्होंने हेमंत जांभेकर अपने विश्व हिंदू परिषद के हैं, ये भी मेरे साथ थे और मैंने इनको वहाँ एक देखा मैंने रिसर्च। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाउ कंट्री नीड्स कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। तो बाल काटे हुए वहाँ एम्यूनो एसिड बनाया था। एम्यूनो एसिड इज एग्रीकल्चर केमिकल। तो हमने वो लाकर मैं अपने यहाँ जो काम करता हूँ, मैंने 15,000 लड़कों को रोजगार दिया है और केवल जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहीं सेक्टर में काम करता हूँ और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम करता हूँ, बायोफ्यूल। और इसमें तो मैंने इनको कहा हम शुरू करें, तो अभी इन्होंने 70-80 लड़कों को बाल इकट्ठा करने के लिए शुरू करके एम्यूनो एसिड बनाया। मल्टीनेशनल कंपनी का 550 रुपये लीटर है और हमारा 50 रुपये लीटर में बना। अब ये एक ही काम करेंगे तो देश में 2-3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने एक स्वयंसेवक है यहाँ दिल्ली में, एग्रीकल्चर केमिकल्स बनाते हैं, उन्होंने 10,000 लीटर 470 रुपये लीटर के भाव से लेने के लिए हमको कहा कि मुझे सप्लाई करिए। इसलिए वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नागपुर से हूँ और हमारे यहाँ टॉयलेट का पानी हम लोग
18 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। वो पानी को रिसाइकलिंग करके पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और कचरा भी खरीद रहे हैं 2200 रुपये टन के भाव से। उसमें प्लास्टिक और मेटल और ग्लास को सेग्रीगेट करके उस कचरे को पावर बनाने के लिए और पैलेट बनाने के लिए उपयोग में हो सकता है। राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, उसके पैलेट बनकर गैस का अल्टरनेटिव है। 1000 रेस्टोरेंट में हमारे वो चूल्हे चलते हैं। तो मेरा आपको इतना ही कहना है कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में बुद्धिमत्ता है, टैलेंट है। मैं जब जापान में गया था तो वहाँ के मंत्री मुझे पूछ रहे थे कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन से क्या, वो इतने होशियार कैसे हैं। हमारे पास सब कुछ है और आज देश में एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आई है। अभी ये आज ही मुझे एक रिपोर्ट मिला, हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस में जो रिपोर्ट दिया है 30% ड्राइविंग लाइसेंस बोगस है। तो ये जो कह रहे थे हमारे प्रोफेसर साहब, ये सही है और ये ऐसी सिस्टम को एबॉलिश करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉज को बदल देना चाहिए। हमने ई टोल शुरू किया, मेरे डिपार्टमेंट ने। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 18 टोल लगते थे, हर टोल पर 10% बैठना है, 180 मिनट यानी 3 घंटे जाते थे। ये आईएम कलकत्ता और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि इसके कारण देश में 88,000 करोड़ का नुकसान होता है। मैं पहले दिन से पीछे लगा तो हमारे सर डिपार्टमेंट ने कहा कि 900 करोड़ रुपए कंपनी बनाने के लिए लगाएंगे। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी हमने बनाई, 1 रुपया हमारा डाला नहीं। अब ई टोल शुरू हो गया, 55 टोल चालू हो गए और दिसंबर तक 100% हो जाएंगे, तो 86,000 करोड़ देश के बच जाएंगे पोल्यूशन के कारण और डिटी के कारण। और आपको ताज्जुब होगा, 900 करोड़ सरकार के लगाने के बजाय ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने पूरे पैसे लगाए, उल्टा हमको 100-150 करोड़ साल का प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड विजन एंड कमिटमेंट फॉर द नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-3 बातें मैं कहूँगा जिसमें आपको खुशी होगी, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति, इतिहास और विरासत ये दुनिया को दिशा दे सकती है। आयुर्वेद, योग विज्ञान, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में की थी, हमारी नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन की पैथी बहुत बड़ी है और इसलिए बहुत अच्छा वर्ल्ड में इसके लिए लोग अपेक्षा से देख रहे हैं। और इसलिए हमारा टैलेंट, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, इसका उपयोग करके ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान का अगर साथ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दुनिया में नंबर एक की ताकत बन सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। तो आप लोग तो हमारे एम्बेसडर हों। और 2 खुशी की बातें मैं आपको बताऊँगा कि राम सेतु मेरे डिपार्टमेंट के अंडर आता है। पहले ही सेशन में जब सवाल आया तो मैंने कहा देर इज़ नो क्वेश्चन अराइज अबाउट डिमोलिशन ऑफ राम सेतु, उसको तोड़ने का सवाल नहीं था। मैं देख कर आया हूँ, अल्टरनेटिव जो 4-5 है उसमें हमने अपना मन बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में विषय होने के कारण ज़्यादा डिटेल बोलना उचित नहीं होगा। कैबिनेट के पास मैं सोल्यूशन लेकर गया हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करेंगे, हम राम सेतु तोड़ेंगे नहीं। उसका ऑप्शन हमने ढूंढा है जिसमें दोनों भी काम हो जाएंगे और देश में राम सेतु हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति का प्रतीक है, वो टिका रहेगा। दूसरी गंगा पर मैं बात करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ भी विषय जुड़ा है, उमा जी के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ और इसमें आपका योगदान चाहिए। गंगा का जो अध्ययन है, अविरल और निर्मल गंगा, गंगोत्री से अपने हल्दिया तक, कलकत्ता तक, इसमें वाराणसी टू हल्दिया 5 मीटर का ड्राफ्ट मिल सकता है, पर अब गंगा में करीब 15,000 MLD सीवेज वाटर जाता है और गंगा गंदी हो जाती है। हम अविरल निर्मल गंगा का सपना देख रहे हैं और मैं तो रात दिन इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इट इज़ ए मिशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सब लोग जो विचारधारा के लिए जो काम करते हैं उसमें गंगा का स्थान बहुत बड़ा है और हमारी श्रद्धा है गंगा के साथ। वो स्वरूप देखकर बड़ा दुख होता है, जब गंगोत्री में जाकर गंगा को देखते हैं और जब कानपुर में जाकर देखते हैं तो मन में बहुत वेदना होती है। तो हमारी सरकार ने प्रायोरिटी पर ये विषय लिया है और गंगा में 50 नदियाँ और छोटे नाले मिलते हैं, यमुना भी मिलती है। तो मैंने उसका एक PPP मॉडल तैयार किया है। वो ऐसा है कि 15,000 MLD में 3,500-4,000 की ऑलरेडी कैपेसिटी है, पर बिहार और UP में बिजली नहीं है तो बंद पड़ी है, वो चलती नहीं।
तो जो गंदगी गंदा पानी आएगा उससे मीथेन तैयार होगा, उससे पावर जनरेट होगी सोलर और उसके साथ मिलकर, और उसमें पीपीपी मॉडल में वही पानी फिर से रिसाइकलिंग करके इंडस्ट्री के लिए यूज होगा। तो 60,000 करोड़ का खर्चा केवल 20 से 25,000 करोड़ रुपए सरकार डालेगी, बाकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर डालेगा, और गंगा में जो गंदा पानी जाना है वो बंद होगा। ये हम पूरी तरह से अब इंटरनेशनल टेंडर उसके लिए बुला रहे हैं और हम निश्चित रूप से उसको शुद्ध करेंगे। और 5 मीटर का ड्राफ्ट रहे इसके लिए 26 जगह पर अभी प्लान में है कि हम कुछ जगह पर उसको पानी को बैरेजेस बनाएंगे, और उसके बाजू में उसके घाट बनाने की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। और गंगा ये हमारे लिए सबके लिए बहुत प्रिय विषय है, और अविरल निर्मल गंगा ये काम भी सरकार ने प्रायोरिटी पर लिया है, उसको भी पूरा करने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। देश बदल रहा है, कठिनाइयाँ जरूर हैं, पर यह देश बदल सकता है। इस देश में दुनिया को नेतृत्व देने की ताकत है, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान और हिंदू विचारधारा के आधार पर जो इतिहास विरासत संस्कृति से मिला हुआ जो ज्ञान है, दोनों को जोड़कर जब हम 21वीं सदी की तरफ जाएंगे तो हमारा देश पूरे दुनिया को दिशा दे सकता है। और मैं कुछ दिन पहले जब बीजेपी के अध्यक्ष के नाते लंदन में गया था तो वहाँ के विदेश मंत्री को जब मैं मिला था तब उनने मुझे पूछा था कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैंने उनको कहा था कि गरीबी भुखमरी बेरोजगारी हमारी समस्या है। तो उन्होंने मुझे मैंने उनको पूछा आपके देश की समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूरोपियन देशों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में है कि शादी होने के पहले ही लड़कियाँ माता बन जाती, अब कैसे उसको सॉल्व करना, इट्स अ बिग इशू फॉर अस। आगे उन्होंने मुझे पूछा कि आपका ये समस्या नहीं है, बोला नहीं के बराबर, बोले कारण क्या है, जो बात आपने कही संस्कारों की कि बचपन से लेकर हमारे परिवार में और शिक्षा पद्धति से भारतीय संस्कृति के आधार पर जो संस्कार होते हैं वो हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है, और उस संस्कार के कारण आज भी हमारी परिवार पद्धति वैसी है, और विदेशों में भी जो आप लोग बसे हैं वहाँ भी परिवार पद्धति फैमिली सिस्टम वैसी है। कल मैं बेल्जियम में गया था, वहाँ एक जैन मंदिर बना है बहुत बड़ा मंदिर बना है, तो वो करीब 2000 लोग हैं, एम्बेसडर मेरे साथ थे, वो कह रहे थे 2000 लोगों ने इतना बड़ा काम किया और इतना अच्छा काम करते हैं और अपने परिवार अपनी संस्कृति को लेकर यहाँ रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनेकता में एकता यही हमारी विशेषता, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश, और भारतीय संस्कृति यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व को हिंदू विचारधारा को बदनाम करने की स्पर्धा देश में शुरू है क्योंकि मीडिया में इसका सही अर्थ वो समझा नहीं पाते। इट्स द वे ऑफ लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वे ऑफ लाइफ है हमारी ये संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत और ये विचारधन, ये दुनिया को दिशा दे सकता है, और उसके प्रति पॉजिटिव रूप से हम आत्मविश्वास मन में रखें, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को आत्मसात करें, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को स्वीकार करें, और डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया इस मिशन को साथ लेकर आगे जाए। अगर आप में से छोटे छोटी यूनिट्स अगर इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो हमारे भारतीय है तो हम दुनिया में वी कैन मेक मिरेकल्स, और आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी सरकार इस दृष्टि से प्रयास कर रही है, अगर लगातार हम इस दृष्टि से जा रहे हैं, जो जो कुछ प्रश्न और समस्या है वो सुलझाने का हमारा लगातार प्रयास है, हम सिस्टम को बदलेंगे, करप्शन को समाप्त करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को लाएंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएंगे। अगर आप कहेंगे कि आप कैसा, देखिए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है उसका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 24% है और गुजरात में हमारा 13% है और देश का 3.5-4% है, हम 4.25 जीडीपी पे आए। आशिया में सबसे ज़्यादा कोल हमारे पास है, हम $60 बिलियन का कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में सब जगह सीईओ बने हैं, पूरा दिशा दे रहे हैं, हम $60 बिलियन का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं, 80,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, 6,00,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्थिति बदल सकती है, बी इंडियन बी मेक इन इंडिया, और हग आपके जैसे लोग यहाँ आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप भी आगे आइए और बाकी टेक्नोलॉजी को लेकर आइए, इनोवेशन को लेकर आइए, हम सब लोग मिलकर यहाँ अगर आप आएंगे तो अभी मैं जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वालों से बात करता हूँ, जितने लोग आए उन्होंने हिंदुस्तान में मार्केट में अच्छी कार तो दी,
जो एम्बेसडर की बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट पे वही गाड़ी चलती है, अभी अभी उसका बदला है, पर वो उसका हॉर्न छोड़कर बाकी सब चीज़ें बचती है पर उन्होंने अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर हिंदुस्तान का यहाँ से विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। एक नई अपॉर्चुनिटी हमको आई है और मैं अपने मंत्री होने के नाते ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ, इंजिन्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और फ्यूल के बारे में। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग सब मिलकर हमारी विचारधारा के आधार पर भौतिक प्रगति तो करेंगे ही, पर हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत के एक एम्बेसडर बनकर हम देश को दुनिया के नंबर एक की पावर बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसलिए इस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के रूप में आप सब लाए हुए लोगों को मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और हम सब लोग मिलकर हमारे देश को आगे ले जाएंगे, यही विश्वास व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।